चलिए, काफी लंबा चौड़ा ब्रेक हो गया आज की डे की अगर बात की जाए, लेकिन अब वापस से कहीं ना कहीं काम पे लौटते हैं और बात करते हैं इससे प्रीमियर कप में। अगर कल के मैच की यहाँ पर बात की जाए तो कल जो दो मैचेस होने हैं ग्रुप ए से रिलेटेड की हम बात कर रहे हैं, वो है हांगकांग वर्सेज मलेशिया और अगर बात करें नेपाल वर्सेज सऊदी अरबिया। और इसी के डिस्कशन लेकर हम आपके सामने हाजिर है, मैच प्रीव्यू लेकर आपके सामने हम हाजिर है। आप सोच रहे होंगे डेफिनेटली ये तो मैचेस, तो इसके बारे में क्या बात करनी, आखिर इनका मैच प्रीव्यू आखिर क्यों। लेकिन कतर ने जो आज सऊदी अरब को हराया, इसके बाद जो है चीजें बड़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हो गई है ग्रुप ए में। जी हाँ, ग्रुप ए की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद कतर के सऊदी को हराने के बाद चीजें जो है बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जलेबी की तरह सीधी हो चुकी है ग्रुप ए में, तो हो गया या तभी मैंने सीधी कहा टेढ़ी हो चुकी है बहुत ज्यादा। इसीलिए कहीं ना कहीं जरूरी होता है कि हम सोचा कि चलिए जरा बात की जाए इन दो मैचेस पर कि आखिर इन दो मैचेस की अहमियत कितनी ज्यादा कल रहने वाली है इस कतर के एक सऊदी अरेबिया को हराते ही, आखिर ऐसा क्यों हुआ बात करते हैं। यहां पे बात करेंगे एंड पॉइंट्स टेबल से। सबसे पहले पॉइंट्स टेबल से जानते हैं कौन किस पायदान पर है। ग्रुप ए में हम यहां बात कर रहे हैं, याद रखिएगा ग्रुप ए में कौन किस पायदान पर है। जरूर देखिए, हम नेपाल तो ऑब्वियसली नंबर वन पर है, 3 में से 3 जीत कर 6 पॉइंट के साथ और क्वालिफाई भी कर चुका है। वहीं पर अब सेकंड पोजीशन में इस वक्त कतर है। कतर मौजूद है, 4 में से उन्होंने 2 मैचेस जीते हैं, 2 में उन्हें हार मिली, 4 पॉइंट है और 0.-0.453 ये उनका रन रेट है, इकोनॉमी रेट बोलने जा रहा था मैं, रन रेट है अगर हम बात करें कतर का। सऊदी है 3 मैच 1 जीत और 2 हार के साथ, 2 पॉइंट है उनका भी, 463-0.463 अगर हम बात करें, माइनस में नहीं है उनका, प्लस में है, ये बहुत बड़ा है उनका पॉजिटिव, जरूर बाद में बात जरूर करेंगे। मलेशिया 3 मैच उन्होंने खेले, 1 में उन्हें जीत मिली और 2 में हार और 2 पॉइंट उनके हैं और -0.020 उनका रन रेट है। और हांगकांग जो है वो लास्ट पोजीशन पर है 2 पॉइंट के साथ और उनका रन रेट जो है वो -1.47 बताइए, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हो जाता है। तो अब आप देखिए इस पॉइंट्स टेबल पर नेपाल को अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वो टॉपर यहाँ पर रहने वाले हैं, भले ही वो कल के मैच में कुछ भी रिजल्ट हो, और वो कहीं ना कहीं टॉपर ही रहने वाले, 6 पॉइंट्स उनके रहेंगे रहेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्यों आखिर हम बात कर रहे हैं कि इस मैच प्रू को लेकर हम आपके सामने आए हैं। कतर का अगर आप यहाँ पर नेट रन देखेंगे तो वो है -0.453 और उनके पॉइंट्स है 4। अब आप देखेंगे यहाँ पर सऊदी अरब का तो उनका है +9, यानी उनका कतर और मलेशिया दोनों से रन रेट जो है वो बेहतर है, लेकिन उनका जो आखिरी उन्हें सिर्फ करना क्या है, उन्हें सोने अपना लास्ट मुकाबला जीतना है और वो है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनका ये लास्ट मुकाबला है नेपाल के साथ, जो कि अब तक इस अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो सबसे बेस्ट टीम यहां पर रही है और टॉपर भी यहां पर रही है, तो इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि सऊदी अरब नेपाल को हरा दे। सिंपल सीधा सा लॉजिक इक्वेशन है, सऊदी अरब अगर नेपाल को हराती है सऊदी अरब वो दूसरी टीम होगी क्योंकि पहुंचने में कामयाब रहेगी, क्योंकि उसके उसके बाद फिर क्या होगा, मलेशिया को हांगकांग के खिलाफ बहुत बड़ी जीत दर्ज करनी पड़ेगी, तो इतना आसान होगा नहीं। लेकिन अगर मान के चलिए ऑब्वियसली रहा, जैसे मान के चलिए नेपाल ने सऊदी अरब को अब हरा दिया, तब उस सूरत में होगा क्या, यहाँ पर मलेशिया वर्सेज हांगकांग जो मैच है वो भी अब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मलेशिया को महज हांगकांग को हराना है और मलेशिया क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मलेशिया का जो नेट रन है वो कतर से बेहतर है, कतर का 4 पॉइंट है इसलिए वो दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर मलेशिया ने कल हांगकांग को हरा दिया, ठीक ठाक हरा दिया, मान लिए 15 रन से हरा दिया, कैसे भी बस उन्हें अपना प्लस में लेकर आना है, 10 रन से हरा दिया, 5 रन से हरा दिया, 11-12 रन से हरा दिया, चार विकेट से अगर बच गया और उसको चेस करते हुए हरा दिया, बस मलेशिया जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि उनका उस सूरत में 4 पॉइंट हो जाएंगे और नेट रन तो उनका ऑलरेडी हांगकांग से बेटर ही है और उस सूरत में मलेशिया क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट को आप जोड़िए, अब एक और ट्विस्ट ये है कि कतर जो है वो कल नेपाल और हांगकांग इन दोनों को सपोर्ट कर रहा होगा, सीधी सी बात है। कतर चाहेगा, कतर क्योंकि कतर के सारे मैच हो चुके हैं, कतर बैठकर बस इतना देखेगा कि नेपाल सऊदी अरेबिया को हरा दे और हांगकांग मलेशिया को हरा दे, क्योंकि उस सूरत में क्या होगा, मलेशिया के 2 पॉइंट रह जाएंगे और सऊदी के भी 2 पॉइंट रह जाएंगे, लेकिन कतर के 4 पॉइंट है और वो क्वालिफाई कर जाएंगे। जी हाँ, मुझे एक बात थोड़ी हंसी आ रही है, अगर सोचिए बारिश ही हो गई करके मैच में तो ऑब्वियसली कतर खुद ब खुद पहुंच जाएगा, उसे ना दूसरी टीमों को मौका ही नहीं मिलेगा कुछ करने का, क्योंकि रेन भी है, क्राउड भी आ रहे हैं, बारिश भी हो रही है, पर ऐसी उम्मीद कभी है कि अब इस मैचों में बारिश ज्यादा, बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, बारिश होती तो कोई डाउट ही नहीं है कतर जो है वो 4 पॉइंट के साथ कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाएगा सेकंड नंबर पर अगर बात करें ग्रुप ए से। तो इसीलिए ये सब हो गया है कतर के, अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया को मात देते ही, यानी क्लियर है
कि हांगकांग के अलावा बाकी तीनों टीमें अभी भी पूरी तरह से रेस में है। नेपाल हटाकर नेपाल तो टॉपर यहाँ पर रहने वाली है। चलिए अब जरा कुछ मैच वगैरह के बारे में बात कर ली जाए। यहाँ पर अगर हम देखें तो एंड मलेशिया वर्सेज हांगकांग, मलेशिया ने परफॉर्मेंस इतनी बहुत ही खराब अभी तक कप में जरूर दी है, कुछ खासा फॉर्म उनका वैसे भी क्वालिफायर्स में रहता नहीं है, लेकिन एक मौका उन्हें वापस दोबारा मिल चुका है कि अगर वो यहाँ पर हांगकांग को हरा कर क्वालिफाई करने की कोशिश करें, क्या लगता है आपको परफॉर्मेंस, आपको लगता है वो हांगकांग को मात दे पाएंगे? देखिए यहाँ तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं क्योंकि मलेशिया का रिकॉर्ड भी हम कह रहे हैं कि बहुत बेहतर है ऑन रिकॉर्ड अगर देखें, लेकिन इतनी बड़ी जीत दर्ज कर पाना नहीं मलेशिया के लिए हांगकांग के लिए वो हो जाता है कि इतनी बड़ी जीत या वगैरह जो भी है, पर मलेशिया जीत तो सकता है ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड भी उनके साथ है, हराया हुआ भी है उन्होंने, और हांगकांग के खिलाफ वो जरूर अपने आप को मान रहे होंगे कि चलिए हम हराते हैं, हमारे बल्लेबाज भी हमारे पास कुछ और एक मोटिव भी मिल गया जरूर है, हांगकांग के पेसर इतने अच्छे हैं नहीं, तो ये एक एडवांटेज और अच्छा है मलेशिया के बॉलर बैट्समैनों के लिए ताकि वो रन्स कर सके, क्योंकि हांगकांग के जो पेसर्स हैं वो बिल्कुल बेदम है, बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहे हैं, कोई बात उनमें नज़र आ नहीं रही है, तो बिल्कुल कह सकते हैं मलेशिया जो है हरा सकता है, ये दमखम ज़रूर है, पर हांगकांग के बल्लेबाज ही उन्हें जीतने से रोकेंगे और कोई नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि हांगकांग के बॉलर जो है वो इतने कैपेबल है नहीं एहसान खान के अलावा, बैट्समैन ही है, अगर अंशुमन नज़ाकत और बाबर वगैरह अगर चल गए कल के मैच में तो मलेशिया कहीं ना कहीं बहुत उनके लिए आसान नहीं होगा इस गेम को जीतना, और मलेशिया को अगर टारगेट करना है तो हांगकांग के पेसेज को करना पड़ेगा, मौका जरूर मलेशिया को हाथ लग गया है यहाँ पर, कतर ने जो सऊदी अरेबिया को यहाँ पर मात दिया आज के गेम में, उसके बाद वही हांगकांग के लिए बड़े अफसोस की बात है कि ये चीजें भी अब हांगकांग के लिए कहनी पड़ रही है, लेकिन हांगकांग के लिए यही है कि वो मलेशिया को हरा कर कहीं ना कहीं फिनिश कर कि हम भी जा रहे हैं आपको भी लेके जाए, ये सब फालतू चीजें होती है, आप खुद भी तो चले ही जा रहे हैं, सबको लेकर क्या फायदा होता है, और आप चार बार एशिया कप खेल रहे टीम है, आपका परफॉर्मेंस तो वैसे ही बहुत ज्यादा डिजास्टर चुका है, परफॉर्मेंस गिर चुका है चाहे वो 50 ओवर फॉर्मेट में हो या फिर T20 फॉर्मेट में हो, वही बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं रहेगा मलेशिया और हांगकांग के बीच में, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, तो मलेशिया और हांगकांग के मैच को किसी वजह से मिस आउट मत करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वहां पर वो मैच रहने वाला, क्योंकि वो उस मैच में सेकंड स्पॉट जो है का दाव पे लगा हुआ, और इसी मैच में कतर जो है वो हांगकांग को सपोर्ट कर रहा होगा कि हांगकांग मलेशिया को हराते तो सीरीज के तौर पर जो है, और सऊदी और नेपाल को कर रहा होगा, जी हां मैच जो सेम टाइम पे है, नेपाल को हराते नेपाल हांगकांग कतर सपोर्ट कर रहा होगा, ये दोनों अपने मैच जीत जाए तो कतर जो है वो आसानी से सेकंड स्पॉट लेकर पहुंच जाएगा सेमीफाइनल में। अब बात करते हैं दूसरे मैच की, सऊदी अरेबिया वर्सेस नेपाल, एंड बहुत बड़ा अपील टास्क है नेपाल के बारे में, क्या बात करते हैं, कल भी आपके सामने कहा था कि नेपाल के लिए बेटर रहेगा कि जो उनके तीन तीन मैचेस जिन्होंने लगातार प्लेयर्स ने खेले जिनके मेन की प्लेयर्स है उनको वो रेस्ट दे सकता है, अगर दो तीन एक दो प्लेयर्स को वो रेस्ट देना चाहे रहे ज्यादा चेंजेस ना करे तो बेटर रहेगा, क्योंकि टूर्नामेंट चल रहा है, फिर कल खेले आप चार के चार जीत कर टॉप पे रहे, क्योंकि क्या कुछ कब क्या चीज हो जाए कुछ हो जाए कौन से रूल्स आ जाए, इसलिए बेटर रहेगा कि आप चार के चार जीते, लेकिन एक आध चेंजेस जिन्हें आप रेस्ट देना चाहें उन्हें आप दे सकते हैं, चाहे एक बॉलिंग से भी हो सकते हैं एक बैटिंग से भी हो सकते हैं, बाकी तो फिर परफॉर्मेंस तो टीम की बेहतर हो ही रही है, सब डिपार्टमेंट में प्लेयर जो है वो अच्छा अभी तक करते हैं, और जो दिक्कतें हैं भी उसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी आपके सामने कर चुके हैं पिछले मैच प्रीव्यू में, उसे अगर आप चाहें तो वापस से सुन सकते हैं, वो मैच प्रीव्यू आपको पिछले मैच का लगेगा लेकिन पिछले मैच का, उसमें हमने बात की थी कि नेपाल को नॉकआउट मैचेस में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जो अभी थोड़ी बहुत छोटी-छोटी चीजें चल रही है उस पर उनके काम उन्हें करना होगा, उसके बारे में बात किया, वो वाले टीम जाकर सुन सकते हैं। साउथ के प्रोस्पेक्टिव से मैं जानता हूं बहुत अपील टास्क है, नहीं बिल्कुल है, और कोशिश तो करनी होगी उन्हें, अपना बेस्ट क्रिकेट खेलना होगा यहाँ तक का बेस्ट, क्योंकि नेपाल बहुत अच्छी साइड है, मैंने कहा था उन्हें करियर का ही बेस्ट खेलना होगा, सर का बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना होगा उन्हें, क्या इतना अच्छा क्रिकेट वो खेल पाएंगे, ये है क्रिकेट है T20 क्रिकेट है, तो आप एक सस्पेंस यहाँ बन जाता है कि शायद कर भी लें शायद हरा भी लें शायद कुछ हो जाए, लेकिन नेपाल ने जिस तरीके का क्रिकेट दिखाया है जिस तरीके के प्लेयर्स ने क्रिकेट खेला है इस टूर्नामेंट में उससे ये नज़र नहीं आता कि सऊदी ऑल ऑफ अ सडन हमें ऐसा परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आएगी कि नेपाल जैसी टीम को वो मात दे दे, नेपाल की परफॉर्मेंस से ये तो नज़र आया है कि सऊदी नहीं दे पाएगी इतना इतना फाइट कि वो जीत सके। बिल्कुल सही कहा आपने, जीतना एक बहुत बड़ी चीज होती है क्योंकि परफॉर्मेंस कैसी होती है उसके कहीं ना कहीं डिसाइड आप देख सकते थे, जैसे मान के चलिए अगर नेपाल की परफॉर्मेंस बहुत डावडोल होती है बहुत दिक्कत दिया फिर वो कोई मैच भी डिपार्टमेंट खराब कोई डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा खराब होता इस अभी तक कितना खेला है अभी तक कितना खेला है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर वो नजर नहीं आया, तो इतना आसान सऊदी के लिए होगा नहीं, भले T20 फॉर्मेट हो लेकिन फिर भी इतना आसान वहां पर रहने वाला है नहीं, और सऊदी को अगर हम देखें तो वो एक दो प्लेयर के बैटिंग में एक दो प्लेयर के कहीं ना कहीं उनकी जो सर्कल है वो घूम रहा है, जैसे हमने देखा कतर के मैच में अब्दुल वाहिद और फैसल खान बहुत रन करते हैं उनकी टीम के लिए, वो दोनों कतर के खिलाफ आज के मैच में बहुत जल्दी आउट हो गए,
14 रन के अंदर ही दोनों पवेलियन लौट गए थे, 14 रन पे 2 विकेट थे सऊदी अरेबिया, और उसके बाद देखिए कहानी खत्म हो। और ये हुआ है, ये सिर्फ एक कल आज के मैच के बोल कर नहीं, पिछले मैचेस में भी हुआ है। अब्दुल वाहिद और अगर मैं बात करूं फैसल खान, यही तो सबसे ज्यादा बैटिंग में जान है इनकी, और ये दोनों अगर चले जाते तो टीम 150 भी चेस नहीं कर पाती। सोचिए अगर नेपाल की पहले बैटिंग है और 180-190 लगाया तो वो चेस में बैटिंग है, बैट्समैन बिल्कुल सही कहा है, बैटिंग विकेट है। और आप वहां पर इस तरीके से दो बल्लेबाज गए, उसके बाद टीम ढह गई, तो अपने आप में सऊदी अरब को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जब वो नेपाल के सामने उतरेंगे, क्योंकि नेपाल की अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। बिल्कुल, तो चलिए सीधे सीधे क्वेश्चन हमने आपको समझा दिए कि कतर जो है कल के मैच में बैठकर आराम से नेपाल और हांगकांग को फुल्ली सपोर्ट कर रहा होगा कि नेपाल और हांगकांग अपना अपना मैच जो है वो जीत जाए, और ताकि हम जो सेमीफाइनल में आराम से पहुंच जाए 4 पॉइंट्स के साथ। और वहीं पर अगर बात करें सऊदी अरब, तो उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो नेपाल को यहाँ पर मात दे दे, और बस ये ऑलराउंडिंग का प्लस में नेटनेट है, मलेशिया वहां से बेटर है, और हांगकांग अगर मलेशिया हरा देता है तो उनके लिए कहानी और भी इजी हो जाएगी। और वहीं पर मलेशिया के लिए सीधी सीधी तौर पर है कि मलेशिया हांगकांग को मात दे दे, और ये दुआ करे कि नेपाल जो है सऊदी अरब को हरा दे, जो कि इतना टफ नहीं है, लेकिन मलेशिया खुद को पहले हांगकांग को हराना यहाँ पर, यही क्वेश्चन है कल के मैच, इसीलिए हम मैच प्रूफ आपके सामने लेकर आ गए थे। बाकी नॉकआउट से रिलेटेड, इसके बाद नेपाल का नॉकआउट है, तो नॉकआउट से रिलेटेड मैच प्रीव्यू में क्या कुछ चीजें हैं नेपाल के बारे में जो कंसर्न्स निकल कर आई थी, इस पर हमने बहुत डिस्कशन बात की थी, इससे पिछला नेपाल का मैच प्रीव्यू जाकर एक बार जरूर सुनिए, वो उसी से रिलेटेड ज्यादा है बजाय उस मैच को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बंद रहे डेली के चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिए, कम्युनिटी ऐप को चेक करना मत भूलिएगा।